Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which provides you the best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject maths and chapter lines and angles. अभी तक हमने lines and angles का introduction पार्ट कराया, उनकी theorems करी और exercise 6.1 करी हुई है. आज मैं exercise 6.2 कराने जा रही हूँ. तो देखिए उसका first question क्या है. वो कह रहा है कि in figure, if ए बी अगर पैलर होगा सी डी के, ए बी जो है अगर पैलर है सी डी के और सी डी पैलर है ई एफ के, सो वाई और जेड की रेशियो दी हुई है उसने कितनी, उसने दी है 3:7. यानी वाई की रेशियो कितनी दी है और जेड की कितनी दी हुई है, वाई की दी है 3 और जेड की दी हुई है उसने 7. ठीक है, आपने एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, आप लोगों ने एक्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें रेशियोज में दी हो, उसको या तो हम एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं या किसी और अदर वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वो लेट करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं, इसको ऐसे लेट करना पड़ेगा. लेट कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इज ए, क्या आ जाएगा, वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3:7 है तो वाई हमारा 3a ले लेती हूँ मैं. ठीक है, और जेड किसके बराबर हो जाएगा, जेड आ जाएगा 7a के. एक्स क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि एक्स उसने ऑलरेडी हमें निकालने के लिए कहा हुआ है, इसलिए वो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने एक्स नहीं लिया. ठीक है, अब यहाँ पे अगर उसने दिया हुआ है तो हमें पता है कि ए बी हमारा किसके बराबर है, ए बी पैलर टू सी डी और सी डी पैलर टू ई एफ, अगर सी डी पैलर ई एफ के, सो हम लोग लिखेंगे लाइन्स. यहाँ पे रीजन लेना पड़ेगा मुझे, लाइन पैलर टू सिंगल लाइन आर पैलर टू ईच अदर. मैं लिखूंगी यहाँ पे लाइन पैलर टू सिंगल लाइन आर पैलर टू ईच अदर, वो दूसरे के पैलर हो जाएंगे. सो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैलर हो जाएंगे, देयरफॉर हमारा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी हमारा पैलर हो जाएगा ई एफ के, ए बी हमारा पैलर हो जाएगा ई एफ का. अगर ए बी हमारा ई एफ के बराबर हो गया सो ऑटोमेटिकली हमारा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जेड का. क्यों, रीज़न दे दो. बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, अगर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x z प्लस, सॉरी यहाँ पे z था, मैं पहले z का लूँगी, z की जगह फिर मैं एक्सपुट करूँगी. मैं लिखूँगी यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल्स टू 180. क्यों देना है, x प्लस y हमारे क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180. ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होगा. पर एक्स एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, जेड. ठीक है, एक्स की जगह जेड ले लिया, मेरा आ गया जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180. जेड अगर एक्स हमारा था जेड, तो एक्स की जगह मैं जेड ले सकती हूँ. अब जेड कितना है आपके पास, 7a और वाई कितना है, 3a इज इक्वल टू 180. ठीक है, ये आ गया हमारा 180. हम लोगों के पास क्या बचा, मैंने आपको फिर बताया कि x प्लस वाई जो था हमारा को इंटीरियर एंगल से, पर x अभी हम लोगों ने पुट किया किसके बराबर, z के बराबर, सो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे प्लस और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 180 के साथ. देखिए 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, ये आ गया आपका 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो a को यहाँ पे रहने देंगे, आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10, सो विच मीन्स ए इज इक्वल टू 18 डिग्री है ए. अगर 18 डिग्री ए आ गया तो हमारा एक्स किसके बराबर था, एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना था, 7a. अगर 7a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, 7 × 18 इज इक्वल टू कितना आ गया, 126 डिग्री. यानी एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री हमारा निकल गया. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, हमें डायग्राम में उसने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा था तो हमने निकाल ली. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इस फिगर में इफ ए बी अगर पैरेलल है सी डी का और ई एफ अगर परपेंडिकुलर है सी डी पे, सो जी ई डी आपको कितना, ये कंप्लीट एंगल कितना दिया हुआ उसने 126 डिग्री, ठीक है। आपको ए जी ई निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, और जी ई एफ निकालना है यानी ये वाला एंगल निकालना है, और एफ जी ई निकालना है यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हमें पता है कि ए जी ई हमारा किसके बराबर है, जी ई डी के, ठीक है। ए जी ई किसके बराबर है, जी ई डी के, हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ए जी ई इजिकल्स टू एंगल जी ई डी, ठीक है। रीजन दे दो, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमारे पता है हमें क्या दिया उसने, उसने दिया एंगल जी ई डी किसके बराबर था 126 डिग्री के, सो देयर फोर एंगल ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा 126, ठीक है। ये निकल गया हमारा जी ए जी ई। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें पता है कि जी ई डी किसके बराबर होगा, जी ई डी है जी ई एफ प्लस एफ ई डी के, और अगर ई एफ हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है सी डी पे तो ऑब्वियसली ये एंगल अंदर वाला कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगी एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी के बराबर, ठीक है। जी ई डी था हमारा 126, जी ई एफ हमें नहीं पता, जी ई एफ ले लेंगे, प्लस एफ ई डी हमारा है 90 डिग्री, इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, यह आ जाएगा 126, या आ जाएगा आपका 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ, ठीक है। आ गया आपका 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू जी ई एफ, हमारा 90 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आगे हो गया माइनस का, इसको माइनस करेंगे हम लोग तो हमारा एंगल जी ई एफ कितने डिग्री का निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है। ये निकालना था हमें, निकाल दिया। दूसरा हमें उसने क्या दिया, हम लोग देखेंगे कि ए जी ई, ए जी ई और एफ एफ जी ई जो है 180 डिग्री के बराबर है, क्यों है, लीनियर पेयर एंगल्स, इन दोनों का सम करेंगे तो ये लीनियर पेयर एंगल्स आ जाएंगे। मैं लिखूंगी यहाँ पे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा आपका लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। ए जी ई उसने दिया हुआ था कितना 126 प्लस एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एफ जी ई को हम लोग रहने देंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 54 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। हमें उसने बोला था एंगल एफ जी ई निकालने के लिए, निकाला, और एंगल जी ई एफ निकालने के लिए और ए जी ई निकालने के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला हमें, वो बोलता है इन फिगर इफ पी क्यू जो है पैलर है एस टी का, पी क्यू जो है वो पैलर है एस टी का और पी क्यू आर दिया है 110 डिग्री, पी क्यू आर 110 डिग्री और आर एस टी दिया है 130 डिग्री, ठीक है। सो आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, यानी ये सेंटर वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगी, मैंने कंस्ट्रक्शन से एक इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, मैं लिखूँगी ड्रॉ लाइन ई एफ, ई एफ पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ठीक है। मैं यहाँ लिख लूँगी, मैं लिखूँगी ड्रॉ, पहले यहाँ पे इसको हेडिंग देनी पड़ेगी कि मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने बताया था ना कि जब भी हमने गिवन फिगर में खुद से कुछ ड्रॉ करना हो वो आपकी कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है। सो ये आपका आ जाएगा ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, कौन सी लाइन की थी आपने ड्रॉ, आपने ड्रॉ की है ई एफ, लाइन ई एफ पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ठीक है।
पी क्यू और एस टी के बराबर। अब हम लोग कर लेते हैं, मैं अगर लिखूँ इसको दे दूँ नाम, दे देती हूँ ए, इसको दे देती हूँ बी, ठीक है, इसको दे दूँगी ए, इसको दे दूँगी बी, मैं लिखूँगी यहाँ पे लेट एंगल क्यू आर ई इज इक्वल्स टू ए एंड एंगल एस आर एफ इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। सो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ई, क्यू आर ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकती हूँ मैं। क्यों लिखूंगी, रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, क्या आ जाएगा रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो मैंने लिख लिया यहाँ पे पी क्यू आर और क्यू आर ई आपका 180 डिग्री के बराबर, को इंटीरियर एंगल लिख लिया अंदर, ठीक है। अब मुझे पता है कि हमारा क्यू पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री, ये तो उसने गिवन दिया, और क्यू आर ई को मैंने क्या लिया, ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ए को मैं रेन दूंगी यहाँ पे, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी ए हमारा निकल गया 70 डिग्री। उसी तरीके से मैंने बी निकाल लेना, मैं लिखूंगी एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या दे दूंगी, वही को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, अगर को इंटीरियर एंगल्स आ गए हमारे, सो टी एस आर कितना है हमारा 130 डिग्री प्लस एस आर एफ कितना आ गया, बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बी को हम रखने देंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये भी आपका कितना आ गया 50 डिग्री। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, अब मजे से मुझे सेंटर वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए ज़रा, मैं लिखूँगी ए प्लस बी प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बन रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन पे एंगल, तो ऑब्वियसली इनका सम जो आ जाएगा कितना आएगा 180 डिग्री। मैं लिखूँगी ए प्लस बी प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, सो ए आपने फाइंड आउट करा कितना आया 70 डिग्री, प्लस बी आपने फाइंड आउट करा कितना आया 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दोनों को करूँगी कितना आएगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर हुई है ये क्वेश्चन, किस तरीके से मैंने निकाल के दिया आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने एक लाइन खुद से ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी पी क्यू और एस टी के, जिसका नाम मैंने दे दिया ई एफ। सो को इंटीरियर एंगल से मुझे ए मिल गया और को इंटीरियर एंगल से मुझे बी भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। फिर स्ट्रेट एंड एंगल की थ्योरी लगा के, ठीक है, मैंने क्यू आर एस एंगल निकाल लिया। आई होप क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी का और ए पी क्यू दिया है आपको 50 डिग्री, पी आर डी दिया है 127 डिग्री, आपने निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। सो मैं सीधा लिखूंगी एक्स हमारा किसके बराबर है, हमारा एक्स जो है इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू के बराबर है। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एक्स जो है हमारा एंगल ए पी क्यू है 50 डिग्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एक्स भी हमारा 50 डिग्री आ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ए पी आर जो है हमारा किसके बराबर होगा, एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी के बराबर, ठीक है। ए पी आर हमारा पी आर डी के बराबर, ये भी आपका रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ए पी आर कितना है आपके पास, ए पी आर जो है वो बना हुआ है हमारा
पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर से, क्यू पी आर से इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ठीक है, ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू है आपका 50, पी आर सॉरी क्यू पी आर कितना है आपका y, इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ठीक है, अब पी आर डी की वैल्यू भी तो उसने हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, हम वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पी आर डी दिया हुआ उसने 127। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका y कितना, y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 77 डिग्री, यानी y की वैल्यू भी हमें मिल गई 77 डिग्री और x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली 50 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था 5th क्वेश्चन आपका, वो क्या कह रहा है, इन फिगर पी क्यू और आर एस जो है टू मिरर्स आर प्लेस्ड कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने हम लोगों ने रखा हुआ है उन दोनों मिरर्स को। ठीक है, एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, एक इंसिडेंट रे आ रही है जिसने पी क्यू को स्ट्राइक किया बी पे, और फिर बी से द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बी सी से होते हुए आर एस पे स्ट्राइक कर रही है मिरर आर एस पे एट सी पे। ठीक है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक, फिर से रिफ्लेक्ट कर रही है अलोंग सी डी, सी डी से प्रूव दैट कि ए बी जो है पैलर सी डी का है, आपने प्रूव करना है कि ए बी पैलर है सी डी का। अब इसमें भी थोड़ी सी मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी, मैंने क्या किया है, मैंने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन आर एस। सो मैं यहाँ लिख दूंगी कंस्ट्रक्शन क्या थी, कंस्ट्रक्शन जो मैंने की हुई है ये उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगी बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है, सो बी एम जो है वो पैलर है सी एन का। ठीक है, बी एन जो है पैलर है सी का, सी एन का सॉरी, तो क्या रीजन दूंगी मैं लिखूंगी परपेंडिकुलर ऑन पैलर और ऑल्सो पैलर। ठीक है, परपेंडिकुलर जो पैलर साइड पे होंगे वो भी आपस में पैलर होंगे। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू। ठीक है, और एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर, एंगल थ्री हमारा एंगल फोर के बराबर होगा। रीजन क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा लॉ है जो साइंस में यूज होता है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा एंगल वन एंगल टू के बराबर हो जाएगा, एंगल थ्री हमारा एंगल फोर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा वन टू की बराबर हो जाएगा और थ्री फोर के बराबर हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। पर हमारा टू जो है वो किसके बराबर है, थ्री के, क्या रीजन आएगा क्यों है बराबर थ्री के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, अगर टू थ्री के बराबर है तो हमारा वन इज इक्वल्स टू एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब मैं ये भी जानती हूँ कि एंगल वन प्लस एंगल टू जो होगा इज इक्वल्स टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के बराबर होता है। ठीक है, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। ठीक है, सो मेरा आ जाएगा ए प्लस, यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल टू किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर के बराबर, कैसे, एंगल बी सी डी के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसमें ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, अगर ये दोनों एंगल हैं तो एंगल ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक है, सो अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो दीज एंगल्स क्या हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, ये कौन से एंगल हैं हमारे, अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ए बी पैलर सी डी, ए बी पैलर हमारा सी डी हो जाएगा। अगर वन मेरा टू के बराबर था, थ्री इज इक्वल्स टू फोर के बराबर है, तो टू इज इक्वल्स टू थ्री के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से, अगर टू थ्री के बराबर हो गया तो वन इज इक्वल्स टू टू इज इक्वल्स टू थ्री इज इक्वल्स टू फोर। अब वन टू जो होता है दोनों एंगल से बायसेक्टर थे, ठीक है, ये दोनों बायसेक्टर्स थे, तो ये इनका सम जो होगा इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, इनका सम इनके सम के बराबर होगा,
अगर इनका सम इनके सम के बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि बी एम हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा इसका सम इसके सम के बराबर, कंप्लीट जब मैंने एंगल लिया ए बी सी बन रहा है, और यहाँ से जब कंप्लीट एंगल लिया ये बन रहा है मेरा बी सी डी, ठीक है। सो ये दोनों अगर हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो ए बी हमारा पैरेलल होगा सी डी के। तो ये उसने पूछा था कि ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2, जिसके साथ आपका चैप्टर नंबर 6 हो जाता है ख़त्म, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके दिमाग में। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग आई विल टेक माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।